आप देख रहे हैं अमेज नाउ। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप सभी दर्शकों को अमेज नाउ परिवार की तरफ से छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं छठ पर्व पर विशेष कार्यक्रम सूर्य देव की आराधना और छठ माता की कृपा। वैसे तो माना जाता है कि छठ पर्व बिहार प्रांत से शुरू हुई है, लेकिन फिर भी अब इसे देश विदेश के कोने कोने में बहुत ही आस्था के साथ मनाया जा रहा है। शायद ही देश का ऐसा कोई कोना छूट जाए जहाँ पे इस व्रत की महत्ता ना जानते हों लोग। तो ये है कि हम अगर विदेशों की बात करें तो सात समंदर पार जो महाद्वीप है, वहाँ की भी औरतें, वहाँ की गृहिणियाँ भी पूरे सच्ची आराधना के साथ अपनी मन्नत को मांगने के लिए और मनवाने के लिए सूर्य देव की उपासना करती हैं और माता छठ की पूजा करती हैं। कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि का एक विशेष अवसर होता है, जिस समय सूर्य धरती के दक्षिण गोलार्ध में स्थित होता है और इसी अवसर पर छठ की पूजा अर्चना की जाती है। छठ व्रत की पौराणिक लोक कथा भी है। इसके अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया था और सूर्य देव की आराधना की थी और फिर सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की आराधना की थी। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देता था। भगवान सूर्यदेव की कृपा से ही वह महान योद्धा बना था। आज भी छठ में अर्घ देने की यही पद्धति प्रचलित है। हिंदू धर्म में सूर्य की उपासना का विशेष महत्व है। छठ पर्व संतान प्राप्ति एवं उनके सुखी और स्वस्थ जीवन के लिए किया जाता है। छठ पर्व पूरे 3 दिन का होता है। इस दिन महिलाएं शुद्ध सच्चे मन से और पूरे साफ सफाई के साथ माता की आराधना करती हैं और पूरी तैयारी करती हैं। इसके लिए सफाई बहुत ज़रूरी होती है। इस व्रत को करने के पहले पूरे घर की साफ सफाई की जाती है, कपड़ों का इंतजाम किया जाता है और साथ में सबसे ज़रूरी बात ये रहती है कि इसके लिए जो प्रसाद बनते हैं उसके लिए जो सामग्रियाँ इकट्ठा की जाती हैं वो भी पूरी सफाई के साथ और पूरे शुद्धता के साथ उसको की जाती हैं। तो इस तरह छठ पर्व को करने के लिए महिलाओं को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, जिसके लिए ये छठ व्रत काफ़ी कठिन माना भी जाता है क्योंकि इसके लिए काफ़ी तैयारियां की जाती हैं। पहला दिन नहाए खाए का रहता है और इसी दिन से छठ पर्व की शुरुआत होती है। इसके बाद होता है खरना का। ये खरना प्राचीन परंपरा है जो सदियों से चलती चली आ रही है और इसको करने के लिए व्रती महिलाएं काफ़ी शुद्धता के साथ व्रत को करने के लिए जो ठिकवा बनता है उसके लिए पूरी साफ़ सफाई के साथ उसका इंतजाम करती हैं और शाम को बनाती हैं और इसको बनाने के पहले व्रती महिलाएं
साथी के चावल और गुड़ का खीर बनाती हैं। कहा जाता है कि इस खीर को खाने के बाद ही महिलाएं इस व्रत को आरंभ करती हैं और खुद लेने के बाद परिवार के सभी लोगों में बांटती हैं। तो इस तरह पूरी सच्ची आराधना के साथ और काफ़ी मशक्कत के साथ व्रत का आरंभ करती हैं महिलाएं। ये बेदी बना रहे हैं, इसी में पूजा होता है, इसमें कलशा रखाएगा और छठ माता का पूजा होगा तो पहले बेदी बना दिया जाता है। ये छठ आप कब से कर रही हैं? 11 साल हो गया तो कर रहे हैं। फिर अपना मनौती भी था हमारा कि घर अपना हो जाए, तो 3 साल हुआ मुझे ज़मीन मिला, फिर उस पर ज़मीन में किए, फिर उसके बाद पहले तले पे किए, इस साल दूसरे तले पे कर रहे हैं, अब देखिए आगे तीसरे तले पे भी करें। सूर्यदेव की उपासना के लिए जो सूप तैयार होते हैं उसमें ठेकुए के साथ साथ काफ़ी मौसमी फल भी शामिल किया जाता है। इसमें जमीनी नींबू, साबुत गन्ना और केले के घौत के अलावा अमरूद, नाशपाती, सेब, संतरे, अनार, काफ़ी सारे फल जो मौसमी होते हैं उनको भी शामिल किया जाता है, क्योंकि कहा जाता है छठ पर्व से ठंड की शुरुआत हो जाती है। तो इसीलिए व्रती महिलाएं जो ठेकुए का प्रसाद बनाती हैं उसमें आटे के साथ साथ गुड़ का यूज़ होता है, क्योंकि गुड़ है जो ठंड से बचाव करता है। प्रसादों से सजे हुए सूप को लेकर व्रती महिलाएं काफ़ी देर तक, घंटे डेढ़ घंटे पानी के भीतर खड़ी रहती हैं, घुटने तक पानी रहता है और अपने हाथ, दोनों हाथों में सूप को पकड़ी रहती हैं और भगवान सूर्यदेव की को धन्यवाद देती हैं कि उन्होंने जो मन्नत मांगी थी और भगवान सूर्यदेव की आशीर्वाद से वो मन्नत पूरी हो जाती है। और इसके साथ साथ कुछ ऐसी भी महिलाएं होती हैं जो सूप को दोनों हाथों से पकड़ी रहती हैं और अपनी मन्नत को मांगती हैं कि भगवान सूर्यदेव मेरी ये मन्नत को आप पूरी कीजिए। इसी आस्था के साथ व्रती महिलाएं भगवान सूर्यदेव की आराधना करती हैं और आसपास की जितनी भी सुहागिन महिलाएं होती हैं उनसे वो कहा जाता है ना कि सूप को जब हाथ में लेती हैं तो कुछ महिलाएं हैं जो वो आगे दूध डालती हैं और इसके बाद उसकी, उस व्रती महिला की परिक्रमा करती हैं। तो 7 सुहागिन या 6 सुहागिन इस तरह की रहती हैं जो व्रती महिला के चारों तरफ घूम करके उनको दूध या पानी से या जल से भगवान सूर्यदेव को अर्घ देती हैं। और इस तरह जब महिलाएं आती हैं शाम को पूरे सज संवर करके और पूरे सामानों को ले करके, तो वो अपने साथ कलश ली रहती हैं, उस कलश पे दिया जलता है और वो दिया पूरे 2 दिन तक जलता ही रहता है। फिर इस शाम की पूजा के बाद जब व्रती महिलाएं घर की तरफ चलती हैं तो पारंपरिक गीत गाती हुई चलती हैं और उनके साथ बहुत सारी महिलाएं भी साथ में चलती हैं और उस दिए को जो कलश में रखा रहता है वो रात भर जलता है और दूसरे दिन फिर उसी कलश को लेकर के घर से आती हैं घाट पे और भगवान सूर्यदेव के उगते हुए सूर्य की पूजा करती हैं। छठ घाट पे चिरैयन के सुर हो गए, छठ घाट पे चिरैयन के सुर हो गए, उग उगे सूरज देव भोर हो गए, छठ घाट पे चिरैयन के सुर हो गए, छठ घाट पे चिरैयन के सुर हो गए, उग उगे सूरज देव भोर हो गए। जय जय छठ मैया, जय 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 छठ मैया, जय जय दर्शन देखावो बाबा मार के ललैया, दर्शन देखावो बाबा मार के ललैया, कनिया में कांप तारी सगरी चिरैया, दर्शन देखावो बाबा मार के ललैया, कनिया में कांप तारी सगरी चिरैया, दर्शन करे के खातिर भीड़ चहोर बा, दर्शन करे के खातिर भीड़ चहोर बा, जय छठ मैया, जय छठ मैया, जय छठ मैया। दूसरे दिन भोर होने के पहले ही सूर्यदेव अभी प्रकट भी नहीं हुए हैं
कि व्रती महिलाएं हाथों में कलश और दीपक लेकर के मोहल्ले और घर की औरतों के साथ घाटों के लिए निकल पड़ती हैं और जल में खड़ी रहती हैं। घुटने पर पानी में खड़ी रहने के बाद 1.5-2 घंटे तक वो अपने हाथ में सूप और सारे प्रसादों को लेकर के भगवान सूर्यदेव की आराधना करती हैं, उनका धन्यवाद देती हैं। और इसके बाद उस व्रत की महिलाएं, जो व्रती महिलाएं हैं, उस घर के पुरुष और बच्चे दूध से अर्घ देते हैं भगवान सूर्यदेव को। और इसके बाद काफ़ी सारी महिलाएं भी जो आसपास की रहती हैं वो भी दूध से अर्घ देती हैं और साथ में भगवान सूर्यदेव को दिया धूप बत्ती दिखाती हैं। तो इस तरह महिलाएं काफ़ी शिद्दत के साथ, काफ़ी कठिन परिश्रम के साथ भगवान सूर्यदेव की आराधना करती हैं। दो तरह की आस्थाएं होती हैं छठ पर्व को करने के लिए। पहला तो ये होता है कि कुछ औरतें मन्नत मांगती हैं और कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो भगवान सूर्यदेव और छठी माता को धन्यवाद देने के लिए व्रत करती हैं। तो इस तरह महिलाएं पूरे सच्चे मन के साथ, शुद्ध सच्ची आराधना के साथ छठी माता की आराधना पूजा करती हैं, साथ में सूर्य देव की भी आराधना अर्चन करती हैं। और आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। टीवी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पे आप हमें प्रतिक्रियाएं दर्ज करा सकते हैं। साथ में अमेज़ नाउ को आप फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब चैनल, वेब पोर्टल और फेसबुक पेज पे। इसी के साथ प्रियंका को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
आप देख रहे हैं अमेज नाउ।